सुरेश जी, गुजरात के अंदर एक मूर्ति बनाई है जो वर्ल्ड की सबसे टॉपेस्ट मूर्ति, हाईएस्ट मूर्ति बताई जाती है, स्टेचू ऑफ यूनिट। उसके उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, चौकीदार, चपरासी वगैरह, जितने ही माली वगैरह हैं, उनको 4 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और टूरिस्ट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पहुँच रहा है। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? देखो, ये लोग नकलची लोग हैं जी। इन्होंने, जैसे माननीय बहन जी ने बोला भी है, कहा भी है कि भाई यमुना के पूर्वी किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश जब शुरू हो जाता है तो वहां पर अपने संत महापुरुषों के नाम पर स्मृति स्थल बनाए, उनकी मूर्ति भी बनाई है, लगाई है, सम्मान दिया है। उसी उसमें जिस सरदार पटेल को जी ये लोग किसी भी तरीके से नहीं मानते थे, अगर मानते थे तो जिस दौरान चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू को क्यों बना दिया? उनकी केवल एक वोट पड़ी थी, 15 प्रांतीय अध्यक्ष होते थे, 14 वोट सरदार पटेल के फेवर में पड़ी। तो ये फिर वही काम कर रहे हैं, कौन सा काम जी? धाय और मा नकली। तो नकली काम में तो ऐसे ही दिक्कत आएगी। इनको ये गैरत नहीं आती, ये बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता कि जिस व्यक्तित्व ने तुमको सरकार चलाने का तरीका बताया जी, लिख करके बताया, संविधान दिया जी, अरे सरदार पटेल से ज्यादा ऊंची मूर्ति तो उन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की होनी चाहिए थी, जिनको मान सम्मान मिलता। लेकिन अभी आएंगे 14 अप्रैल को वहां संसद के प्रांगण में, बस माला डाली और बस 364 दिन के लिए फिर आवारा हो गए। तो इनको देखिएगा, माने बहन जी ने किया था, आज जो लखनऊ पर किया, अंबेडकर स्मारक बनाया और गार्डन बनाए हैं, तो उन पे सभी पर माली नियुक्त हुए, उनके सिक्योरिटी वाले नियुक्त हुए और आज वहां से उत्तर प्रदेश सरकार को आए, चूंकि उसको जो लोग टूरिस्ट जाते हैं, देखने जाते हैं, और यहीं के नहीं, इसी देश के नहीं, बाहर के भी लोग आते हैं, तो जब वो देखते हैं तो वहाँ टिकट लगती है, टिकट उत्तर प्रदेश सरकार की रेवेन्यू में शामिल होती है। और आज उनको, हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है, हाँ एक बार इन्होंने जरूर किया था, आज जिनसे हमारा समझौता है, यद्यपि उस बात को याद करना नहीं चाहिए कि इन्होंने एक बार लाइट वाइट बंद कर दिया था, तो आज उनको आभास हुआ है कि हमने कोई गलत काम किया था, तभी माने बहन जी का नेतृत्व स्वीकार करके आज उन्होंने उनको साथ देने का वादा इरादा किया है और दोनों तरफ से मिलजुल करके। और फिर पुनः माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज प्रधानमंत्री बनने के जिस दावेदारी की हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुजन समाज ने, सब समाज के लोगों ने वोट कास्ट करके माने बहन जी को सम्मान दिया, उनको जिताया, उनके और उम्मीदवारों को जिताया, तो उसके आधार पर जब सरकार बन जाएगी बहुजन समाज पार्टी की और गठबंधन की सरकार बन जाएगी और माने बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो सरदार पटेल साहब के उसको जो मूर्ति है, उस मूर्ति को मान सम्मान, हमारा कौन सा उनसे कोई कलेश है, मान सम्मान भी मिलेगा और जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनका बाकायदा सब कुछ काम होगा, लेकिन सिद्धांत के आधार पर चलने के बाद ये काम होंगे। इनके पास तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, आए जो आया मन में बोल दिया, एक उधर से कुछ बोल रहा है, एक उधर से कुछ बोल रहा है, ये कोई सरकार थोड़ी ना चल रही है, देश का माहौल खराब हो गया है।